मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है, मैं हूं संजना। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। सुपर डांसर चैप्टर 3 के सेमीफाइनल में धमाल मचाएंगे कंटेस्टेंट। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के डांस रियलिटी सुपर डांसर चैप्टर 3 अपने फिनाले के करीब है। शो के सेमीफाइनल एपिसोड में खूब धमाल होने वाला है, क्योंकि शो के आगामी एपिसोड में दर्शक सुपर डांसर चैप्टर 3 के वर्तमान प्रतियोगियों के साथ सुपर डांसर चैप्टर 2 के पूर्व प्रतियोगियों के बच्चों का तालमेल देखने को मिलेगा। यही नहीं, वर्तमान प्रतियोगियों और पूर्व प्रतियोगियों के साथ डांसिंग गुरु और जज शिल्पा अनुराग और गीता भी मस्ती करते नजर आएंगे। सपना चौधरी ने ब्लैक साड़ी में दिखाया टैटू। हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी लेटेस्ट ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें वो ब्लैक साड़ी पहने पोज देती दिखाई दे रही हैं। इन 5 तस्वीरों में उनके बाल खुले हैं और पीठ पर बना टैटू दिख रहा है। ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। सपना चौधरी ने लेटेस्ट पोस्ट के साथ एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है, द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन माई डिक्शनरी। अब आपको मिलवाते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है किस सितारों की रियल फैमिली से। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को शुरू हुए 10 साल हो चुके हैं, इसलिए हम आपको मिलवा रहे हैं कार्तिक और नायरा के असली जिंदगी के परिवार से। कार्तिक का किरदार निभाने वाले एक्टर मोहसिन खान के टीवी वाले परिवार को तो आप रोज ही देखते होंगे, लेकिन मोहसिन का असल परिवार बेहद ही प्यारा है। मोहसिन के परिवार में उनके माता पिता और भाई बहन है। मोहसिन अपने आप को फैमिली मैन बताते हैं और अपनी छोटी बहन ज़ैबा खान के साथ बेहद प्यार करते हैं। ये रिश्ता की नायरा यानी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी का भी परिवार भरा पूरा है। शिवांगी अपने माता पिता दादा और बहन भाई के साथ रहती हैं। शिवांगी के एक भाई और बहन हैं। उनकी बहन का नाम शीतल और भाई का नाम समर्थ है। शिवांगी अपने परिवार से बेहद प्यार करती हैं। ये रिश्ता में नक्श का किरदार निभाने वाले एक्टर ऋषि देव का परिवार भी काफी बड़ा है। ऋषि अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते हैं। ऋषि के 4 भाई बहन हैं जो साथ में काफी समय बिताते हैं। नक्श की पत्नी कृति का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस डांसर मोइना सिंह का परिवार काफी रॉयल है। मोइना अपने माता पिता और भाई के साथ रहती हैं। मोइना ने कुछ ही समय पहले अपने बॉयफ्रेंड सुयश रावत से सगाई की है। ये दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं और पसंद करते हैं। दिव्यांका त्रिपाठी की इमेज खराब करने की हुई थी कोशिश, नहीं मिल रहा था काम। पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी टीवी के बाद डिजिटल डेब्यू में व्यस्त हैं। राजीव खंडेलवाल के साथ एक्ट्रेस का वेब शो कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला शुरू होने वाला है। अपने फैंस के लिए वक्त निकालकर दिव्यांका त्रिपाठी ने फेसबुक पर लाइव सेशन में बात की है। इस दौरान एक्ट्रेस ने उनसे जुड़ी उन अफवाहों के बारे में बात की जिन्होंने उनके करियर को प्रभावित किया है। एक्ट्रेस ने कहा, मैं ये लाइव सेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे फैंस को पता नहीं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मैं काम कर भी रही हूँ, मैं ये है मोहब्बतें में भी नहीं दिख रही हूँ। मेरे को एक्ट्रेस सोचते हैं कि मैं अब काम नहीं करना चाहती हूँ, मुझे डेट्स देना पसंद नहीं है। दिव्यांका ने कहा, कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला पुराना कमिटमेंट है, इसकी शूटिंग में कई वजहों से देरी हो रही है, मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए नवंबर और दिसंबर में शूटिंग शुरू करनी थी। दिव्यांका ने बताया, एक समय ऐसा था जब मैं 3 शो के लिए शूटिंग कर रही थी, इस वजह से उनकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी हो गई थी। एक्ट्रेस ने कहा, कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला के लिए डेट्स ब्लॉक थी इसलिए मैं ये है मोहब्बतें नहीं कर पाई। दिव्यांका ने कहा, एक्ट्रेस के बारे में कई तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, किसी को अंदर की कहानी नहीं पता। सालों पहले जब मैं अपने पहले शो बनू मैं तेरी दुल्हन कर रही थी, दिव्यांका के मुताबिक, लेकिन प्रोडक्शन हाउस में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उन्होंने मेरी इमेज को नुकसान पहुंचाया, मैं सॉफ्ट टारगेट थी। ब्लैक कुर्ते में स्पॉट हुई ज़रीन खान। बॉलीवुड एक्ट्रेस ज़रीन खान अक्सर फिल्मों में अपने बोल्ड सीन्स को लेकर काफी सुर्खियों में रहती है, लेकिन फिलहाल ज़रीन काफी समय से फिल्मों से दूर है। हाल ही में ज़रीन को मुंबई में स्पॉट किया गया। इस दौरान ज़रीन ब्लैक कुर्ती के साथ डेनिम जीन पहने नजर आई, जिसमें वह बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत लग रही थी। खुले बालों और मिनिमल मेकअप उनके लुक को परफेक्ट बना रहा था। रेड व्हाइट चेक ड्रेस में उर्वशी रौतेला ने करवाया फोटोशूट। उर्वशी रौतेला ने अपना एक फोटोशूट कराया है। इस फोटोशूट की तस्वीरें उर्वशी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ शेयर की हैं। इस फोटोशूट की तस्वीरों में उर्वशी रेड और व्हाइट चेक क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स में बेहद सेक्सी लुक में नजर आ रही हैं। इस ड्रेस में उर्वशी का क्लीवेज साफ नजर आ रहा है। इसी के साथ उर्वशी का लाइट मेकअप और रेड लिपस्टिक उनके लुक को बेहद हॉट बना रहा है। उर्वशी बेहद बोल्ड अंदाज में कैमरे को पोज भी दे रही हैं। टीवी के महंगे एक्टर्स में शामिल हुए करण सिंह ग्रोवर। एक्टर करण सिंह ग्रोवर 6 साल बाद टीवी पर कसौटी जिंदगी की 2 से धमाकेदार कमबैक कर रहे हैं।
कसौटी में करण मिस्टर बजाज का रोल निभा रहे हैं। करण सिंह ग्रोवर के कसौटी 2 से जुड़ने पर फैंस की एक्साइटमेंट डबल हो गई है। खबर है कि मिस्टर बजाज का रोल निभाने के लिए करण सिंह ग्रोवर को हर महीने 75 लाख रुपए की फीस दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एकता करण सिंह ग्रोवर को शो में लाना चाहती थी, लेकिन शुरुआत में टीवी में लंबे घंटों तक काम करने की रूटीन के चलते करण वापसी के लिए तैयार नहीं थे। करण एक ही प्रोजेक्ट को इतना सारा समय देने से बचने की कोशिश कर रहे थे, मगर एकता किसी भी कीमत पर मिस्टर बजाज के रोल के लिए करण को ही कास्ट करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक्टर की सभी डिमांड को पूरा किया है। शो के लिए हर महीने 75 लाख फीस पाने के बाद करण सिंह ग्रोवर टीवी के महंगे एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गए हैं। शो के लिए करण की एक दिन की फीस तकरीबन 2.5 लाख रुपए है। मौनी रॉय ने शेयर की बॉयफ्रेंड के साथ फोटो। मौनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी सफल रही, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही उलझी हुई है। खबरों की माने तो मौनी को एक्टर रह चुके मोहित रैना को डेट कर चुकी है, लेकिन अब मौनी ने अपने बेस्ट बॉयफ्रेंड को फैन से मिलवा दिया है। मौनी बॉलीवुड डायरेक्टर अयान मुखर्जी को डेट कर रही हैं और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अयान के साथ कुछ फोटो शेयर की हैं, जिसके बाद सेलेब्स उन्हें विश कर रहे हैं। पिछले दिनों मौनी रॉय को खूब ट्रोल किया जा रहा था, शायद इसी वजह से एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्राइवेसी लगा ली है। मौनी ने अपनी और अयान की फोटो शेयर की थी, जिसमें सबसे पहले मंदिरा बेदी ने कमेंट किया था। मंदिरा ने लिखा है कि बहुत ही खूबसूरत फोटो है, जिसे देखकर ही दोनों के प्यार का अंदाजा लगाया जा सकता है। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।